नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड है, इसमें भी जो फ्लूइड डायनेमिक्स में हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ते हैं उससे रिलेटेड है। कहा गया है एन आइडियल फ्लूइड फ्लोज इन लैमिनर फ्लो थ्रू अ पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डायमीटर, द मैक्सिमम एंड मिनिमम डायमीटर्स ऑफ द पाइप्स आर 6.4 सेंटीमीटर एंड 4.8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ द मिनिमम एंड मैक्सिमम वेलोसिटीज ऑफ फ्लूड इन दिस पाइप इज, तो वेलोसिटी का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो होता है उसका हमें रेशियो पता करना है। तो हमें पता है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन A1V1 इज इक्वल टू A2V2 होता है, मतलब जहाँ पे एरिया कम होगा वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है ना। तो पहले जो है देखेंगे, मैक्सिमम दिया गया है डायमीटर यहाँ पर 6.4, ठीक है, तो ऐसे कह सकते हैं कि एरिया जहाँ पर मैक्सिमम होगा वेलोसिटी वहाँ पर मिनिमम होगा, है ना। उसी तरह से यहाँ पर एरिया मिनिमम होगा तो वेलोसिटी वहाँ पर मैक्सिमम होगा, तो मिनिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी का रेशियो पूछा गया है, तो ये आ जाएगा मिनिमम एरिया डिवाइडेड बाय मैक्सिमम एरिया। तो मिनिमम एरिया कैसे निकालेंगे, पाई मिनिमम डायमीटर का होल स्क्वायर बाय 4 और मैक्सिमम आएगा पाई मैक्सिमम डायमीटर का होल स्क्वायर बाय 4, मतलब ये हुआ कि डी मिनिमम डिवाइडेड बाय डी मैक्सिमम का पावर 2, है ना। मिनिमम डायमीटर दिया गया है 4.8 सेंटीमीटर और मैक्सिमम दिया गया है 6.4 सेंटीमीटर, ठीक। तो इनको अगर कैंसिल करेंगे 1.6 से ऊपर नीचे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये आएगा 3 डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर यानी कि 9/16। तो मिनिमम और मैक्सिमम वेलोसिटी का जो रेशियो आया वह है 9/16। तो देखेंगे कि जो फोर्थ ऑप्शन है वो 9/16 दिया हुआ है।